एवरीवन, आज हम लोग बनाएंगे पानी वाला शलजम का अचार। और ये बहुत ही आसान रेसिपी है, बड़ी आसानी से आप घर पे बना सकते हैं। आपको इस अचार को धूप में रखने की भी ज़रूरत नहीं है, ये बहुत जल्दी तैयार हो जाता है। चलें अब हम अपनी रेसिपी स्टार्ट करते हैं। मैं आपको बताती हूँ कि इसके लिए हमें क्या अज्जा दरकार हैं। सबसे पहले हम लोग अपना मसाला तैयार करेंगे, क्योंकि इसके तीन स्टेप्स हैं। ये लंबी ड्यूरेशन है इसका, ये तकरीबन 2 से 3 दिन में तैयार होगा। तो पहले दिन के लिए जो हमें तैयारी करनी है, उसमें हमें ये करना है कि हमें मसाले ऐड करने हैं। ये हमारे पास 4 खाने के चम्मचे पिसी हुई राई है, 4 खाने के चम्मचे कुटी हुई लाल मिर्च है। आप बाद में और ऐड कर सकते हैं अगर आपको कम लग रही हो तो, लेकिन मैं आपको बताऊँगी कि किस वक्त हमें ऐड करनी है। टार्टरी इसमें जाएगी, सिट्रिक एसिड कहते हैं, ये ऑप्शनल है। मैंने 1/2 चाय की चम्मची ली है, आपकी मर्जी है, आप चाहें तो शामिल करें, आप चाहें तो शामिल नहीं करें, इसको आप स्किप कर सकते हैं। हल्दी इसमें जाएगी, ये तकरीबन 1/2 चाय की चम्मची है, ये आप देख सकते हैं। नमक जाएगा इसमें 1 चाय की चम्मची, ये भी हम बाद में इसमें ऐड कर लेंगे अगर हमें ज़रूरत होगी तो। ड्राई इन्ग्रीडियंट्स हमारे ऐड हो गए, इनको मैं अच्छी तरह हाथ से मिक्स कर लूँगी। अब हम इसमें अपने दूसरे इंग्रेडिएंट्स डालेंगे जो कि वेट इंग्रेडिएंट्स हैं, गीले हैं। और इसमें जाएगा 4 खाने के चम्मचे लहसुन पिसा हुआ जाएगा, आप चाहें तो कुचला हुआ, ग्राइंड हुआ हुआ भी, ग्रेट हुआ हुआ भी डाल सकते हैं, मैंने पिसा हुआ लिया है। सफ़ेद सिरका इसमें जाएगा तकरीबन 1/2 कप के करीब। इसको हम अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। मैंने आपको अमचूर, ड्राई अमचूर दिखाया था, वो मैंने आपको इसलिए दिखाया है कि इसकी हमें ज़रूरत पड़ेगी, लेकिन हम इसको अभी ऐड नहीं करेंगे उसमें। अब मैं आपको बताऊंगी कि हमें कब ऐड करना है, लेकिन ये हमारा मसाला तैयार हो गया है। अब हमें इसमें सिर्फ सरसों का तेल ऐड करना है। सरसों का तेल इसमें जाएगा 1/3 कप। मेरे पास हींग है यहाँ पे, ये भी ऑप्शनल है, ये मेरी अम्मी की रेसिपी है, वो यूज़ करती हैं। बहुत से लोग इसमें शामिल नहीं करते हैं, लेकिन अगर आप लोग ऐड करना चाहें तो इसका बड़ा अच्छा फ्लेवर आता है। ये तकरीबन 1/4 चम्मची के करीब इसमें जाएगी, मुझे अंदाज़ा है कि कितनी डालनी है, तो मैं इसमें इसी तरह से इसको स्प्रिंकल कर रही हूँ। अब हम इसमें ये अमचूर, जो सूखा अमचूर मैंगो मैंने आपको बताया था, ड्राई मैंगो है, ये मैं इसमें ऐड करूँगी। ये इसमें तकरीबन 2 के करीब जाएंगी, 2 इंच की डंडियाँ जो हैं सूखी हुई, वो आप इसमें ऐड कर दें। अब हम इसमें शलजम ऐड करेंगे। शलजम मेरे पास 1.5 किलो के करीब है, ये मैंने, सॉरी मेरे हाथ गंदे हो रहे हैं, लेकिन कोई बात नहीं, हमें मसाला तो लगाना ही है इसमें। ये आप देखें, मैंने तकरीबन 1/2 इंच की और उसको गोलाई में काटा, ये खूबसूरत लगती हैं, तो आप कोशिश करें इसी तरह काटें या जैसी शेप आपको पसंद है। ये अधगली कर ली है मैंने, आप ये देखें, ये बिल्कुल भी नहीं टूट रही है, हल्की सी नरम है, ये खुद ही गलेगी इसमें, इसको ज़्यादा नहीं गलाइएगा वरना ये घुल जाएगी आपके अचार में। अब हम इसको मसाले में शामिल करेंगे और मैं आपको दिखाती हूँ, आपको एक एक करके इसको मसाले में लगा के रखना है। अब हम इसको मसाले में डालेंगे इसी तरह से, आपको ये थोड़ा सा टाइम कंज्यूमिंग है, लेकिन हमें मेक श्योर करना है कि सारे टुकड़ों पर मसाला लग जाए। हम इसको चमचे स्पैचुला से भी मिक्स कर सकते हैं, लेकिन इसमें वो बात नहीं आती और टूटने का भी ख़तरा रहता है इसमें, तो आपको इसी तरह से इसको एक एक करके ऐड करना है और मसाला लगाना है इसके ऊपर। आप देख सकते हैं इसको मैंने अच्छी तरह से कवर कर दिया है मसाले से, इसके एक एक स्लाइस में मसाला लग चुका है। अब हम इसको 24 आवर्स के लिए ढक कर रखेंगे। आपको इसको फ्रिज में नहीं रखना है, इसको अपने किचन में ही काउंटर टॉप पे या किसी भी ड्राई जगह पे रख दें जहाँ पे नमी ना हो। और एक और बात मैं आपको बताना चाहूँगी कि इस अचार को धूप लगाने की भी ज़रूरत नहीं होती है, ये बहुत ही आराम से इनडोर तैयार किया जा सकता है, घर के अंदर आप इसको बना सकते हैं। अब हम इसको कवर करके रख देंगे और 24 घंटे के बाद हम अपना नेक्स्ट स्टेप जो है वो हम फॉलो करेंगे। शलजम को मसाला लगाए हुए तकरीबन 24 घंटे हो गए हैं, और उसके बाद मैंने ये किया है कि ये पानी आप देख रहे होंगे, इसमें मैंने ये 9 ग्लास के करीब पानी है जो कि 2 लीटर के करीब है, इसमें मैंने 75 ग्राम्स ऑफ गुड़ डाल के उसको बस एक जोश आने तक पकाया है। उसके बाद मैंने इसको बिल्कुल ठंडा किया है कि ये रूम टेम्परेचर पर आ जाए। अब हम इसमें अपनी मसाला लगी हुई शलजम शामिल करेंगे।
आप देख सकते हैं मैंने इसके अंदर जो मसाला लगी हुई शलजम थी जो हमने 24 घंटे के लिए रखी थी वो मैंने इस गुड़ के पानी में ऐड कर दी है। इस मौके पे हम ये चेक करेंगे कि इसमें हमें नमक और मिर्च अगर ऐड करना है, मैंने इसको चेक लिया था तो मुझे नमक कम लग रहा था, मैंने इसमें एक चाय का चम्मच नमक ऐड किया है। मिर्चें वगैरह बिल्कुल सही हैं, अगर आपको नमक कम लग रहा है तो आप नमक ऐड कर देंगे। इसके बाद हम इसको किसी खुले हुए मुँह की बोतल में मर्तबान में रखेंगे और उसको एयर टाइट करके उसके बाद हम उसको 2 दिन के लिए यानी 48 घंटे के लिए हम रख देंगे और उसको हम नहीं खोलेंगे। 48 घंटे बाद ये बिल्कुल रेडी है और आप इसको दाल चावल और जो भी करी आपको अच्छी लगती है सब्जी की उसके साथ आप इसको इंजॉय करें, ये बड़ा मज़े का लगता है। आप लोग देख सकते हैं इसको मैंने जार में निकाल दिया है, एक दिन और है हमारे पास, उसके बाद ये तैयार हो जाएगा। आई होप कि आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगी होगी। अगर आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगे, मेरी वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक करें, प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, फिर मिलेंगे नई रेसिपी के साथ।